दोस्तों, पनडुब्बियों का महत्व आज किसी भी देश के लिए कितना है ये बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े युद्ध में पनडुब्बियां एक मेन स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल में ली जाती हैं। चाहे दुश्मन देश के सैन्य जहाज पर अटैक करना हो या समुद्र की गहराई में जाकर कोई रिसर्च करना हो, इन सभी कामों के लिए पनडुब्बियां किसी भी देश के लिए एक अहम भूमिका निभाती हैं। और आज तो आधुनिक पनडुब्बियों का दौर है, जिससे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स जैसे खतरनाक से खतरनाक मिसाइल भी छोड़ी जाती है। और पनडुब्बियों की इस नई खासियत ने तो पनडुब्बियों को एक और स्ट्रेटजी भूमिका बना दी है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पनडुब्बियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें बस पनडुब्बियों के विषय में हल्की फुल्की जानकारी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पनडुब्बियों के बारे में अच्छे से समझेंगे, खासकर ये कि पनडुब्बियां काम कैसे करती हैं। जी हाँ दोस्तों, पनडुब्बियों के इस्तेमाल के बारे में तो फिर भी बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन पनडुब्बियां काम कैसे करती हैं इसकी जानकारी बेहद कम लोगों को है। तो आइए आज की इस वीडियो के जरिए हम यही जानते हैं कि पनडुब्बियां काम कैसे करती हैं। दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। और हां, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पनडुब्बी का आकार एक सिगार की तरह होता है, जिसकी सतह चिकनी होती है। इसकी यही सतह इस पानी के नीचे तेजी से चलने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, ज्यादातर पनडुब्बियों के डिजाइन में दो हल होते हैं, पहला प्रेशर हल और दूसरा आउटर हल। प्रेशर हल मोटे हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना होता है, जो वाटर ट्रायड ब्लॉकहेड के साथ कई हिस्सों में बंटा होता है। बता दें कि प्रेशर हल में कम्युनिकेशन रूम, आदमियों के रहने की जगह, कंट्रोल रूम, रसोई मेस और सहायक मशीनरी के साथ कई तरह के वेपन्स और उपकरण भी रहते हैं। गहरे पानी के दबाव में कुचले जाने से बचाए रखने के लिए हाई स्ट्रेंथ मेटल से बना ये प्रेशर हल काफी मदद करता है। दोस्तों, प्रेशर हल आउटर हल के अंदर ही होता है, क्योंकि प्रेशर टाइट नहीं होता है और किसी भी गहराई में आउटर हल के बाहर और अंदर लगभग एक जैसा ही प्रेशर रहता है। पनडुब्बी के बाहरी हल के ऊपर एक ढांचा होता है, जिसमें कम्युनिकेशन रडार वेपन सेंसर के अलावा पेरिस्कोप भी होता है। दोस्तों, इस ढांचे को सेल कहते हैं। और बता दें कि पेरिस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो उन चीजों को भी दिखा सकता है जो देखने वाले के सीधे आंखों के सामने मौजूद भी नहीं होता है। एक सिंपल पेरिस्कोप में 45 डिग्री पर दो मिरर या फिर दो प्रिज्म लगे होते हैं, जो किसी वस्तु से निकलती हुई रोशनी को रिफ्लेक्ट करके देखने वाले की आंखों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, पेरिस्कोप के जरिए ही जब पनडुब्बी पानी की सतह के करीब होती है, तब आसपास के टारगेट या किसी भी तरह के खतरे को देखा जा सकता है। और जब पेरिस्कोप का उपयोग नहीं होता है, तब इसे वापस हल में खींच लिया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पनडुब्बी के कमांडर को काफी सोच समझकर पेरिस्कोप का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जब पेरिस्कोप सतह पर होता है तो ये लहरें पैदा करती हैं और इससे दुश्मन देश को पानी में पनडुब्बी के होने का पता लग सकता है। दोस्तों, एक पनडुब्बी के आगे की तरफ आउटर हल और प्रेशर हल के बीच में सोनार लगा होता है। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जो साउंड वेव का इस्तेमाल करके किसी भी वस्तु की लोकेशन का पता लगा सकता है। और अब इसे देखिए, ये टॉर्पीडो ट्यूब है। पनडुब्बी के बाहर तक इसका एक छोर जाता है, जबकि इसका दूसरा छोर प्रेशर हल के अंदर होता है। टॉर्पीडो ट्यूब का इस्तेमाल टॉर्पीडो छोड़ने के लिए किया जाता है, जो प्रेशर हल के अगले हिस्से में मौजूद होते हैं। दोस्तों, प्रेशर हल के बीच के हिस्से में हथियारों का कंट्रोल सिस्टम और पनडुब्बी का कंट्रोल सिस्टम होता है। यहीं से पनडुब्बी के लगभग सभी सिस्टम्स ऑपरेट होते हैं। इस कंपार्टमेंट में सभी वेपन फायरिंग सिस्टम, मशीनरी कंट्रोल और मॉनिटरिंग, नेविगेशनल कंट्रोल सिस्टम, सरफेसिंग सिस्टम, टियरिंग कंट्रोल सिस्टम और पैनल ड्राइविंग सभी मौजूद होते हैं। दोस्तों, प्रेशर हल के बीच में ही क्रू मेंबर्स के रहने की व्यवस्था भी होती है, जहां रसोई में टॉयलेट, शयन कक्ष इत्यादि होते हैं। आइए अब मिसाइल ट्यूब को समझे। ये मिसाइल ट्यूब है, यहीं से मिसाइल फायर की जाती। इसके पीछे सहायक उपकरण कंपार्टमेंट है, जिसमें एयर वाटर बनाने वाली मशीनों जैसी और भी कई सारी मशीनें रहती हैं। और इस उपकरण कंपार्टमेंट के पीछे न्यूक्लियर रिएक्टर कंपार्टमेंट है, जहां न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनाई जाती है। इस कंपार्टमेंट के बाद इंजन कंपार्टमेंट है, जहां गियर बॉक्स, टर्बाइन, जनरेटर आदि रखे होते हैं। पनडुब्बी के एंड में प्रोपेलर लगा होता है, जो पनडुब्बी को आगे बढ़ने का काम करता है।
दोस्तों, पहले न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बियां हैं और ज्यादातर देश इसी तरह की पनडुब्बियों का इस्तेमाल भी फिलहाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाने के लिए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बियां बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होती हैं। बता दें कि न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी में न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जहां डीजल इंजन से चलने वाली पनडुब्बी में एक बार इंजन भरने के बाद महज 26,000 किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है, वहीं न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बी में पहली बार में ही इसमें इतना यूरेनियम भर दिया जाता है कि इसे लगभग 30 वर्षों से भी ज्यादा समय तक रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती और इस वजह से इसे रिफ्यूलिंग के लिए वापस बेस पर भी नहीं आना पड़ता है। दोस्तों, न्यूक्लियर पनडुब्बी में आमतौर पर प्रेशराइज वाटर रिएक्टर PWR का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब ये समझते हैं कि प्रेशराइज वाटर रिएक्टर कैसे काम करते हैं। ये रिएक्टर वेसल है जिसमें फ्यूल असेंबली ट्यूब्स रखी होती हैं। यहाँ पर यूरेनियम होता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है जो पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट में चांदी की तुलना में 40 गुना अधिक और सोने की तुलना में 500 गुना अधिक सामान्य है। इसे लगभग हर जगह नदियों, मिट्टी, महासागरों और चट्टानों में पाया जा सकता है। दोस्तों, यूरेनियम को प्रोसेस करके छोटे छोटे सेरेमिक पैलेस के रूप में बना दिया जाता है और फिर इन पैलेस को मेटल ट्यूब में फील कर दिया जाता है। इसके बाद इन मेटल ट्यूब्स को बंद करके बंडल बना दिया जाता है। इसी को फ्यूल असेंबली कहते हैं। 200 ट्यूब्स को बंद करके एक फ्यूल असेंबली बनती है और दोस्तों, यहाँ ऊर्जा बनना तब शुरू होती है जब इन रॉड्स में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बता दें कि जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 एटम के न्यूक्लियर से टकराता है, तब यूरेनियम एटम दो हल्के एटम्स में विभाजित हो जाता है और इस प्रक्रिया में काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसके साथ ही दो या तीन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं और यही एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं और फिर इसी प्रकार से ये चैन रिएक्शन चलता रहता है, जिस वजह से फ्यूल के अंदर काफी ज्यादा गर्मी पैदा होती है। रिएक्टर ट्यूब्स के चारों तरफ है। बता दें कि प्रेशर पानी भरा होता है जो इन ट्यूब्स की गर्मी को अब्सॉर्ब कर लेता है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। दोस्तों, अधिक प्रेशर होने के कारण भी पानी भाप में नहीं बदलता है। जी हाँ, अधिक प्रेशर के कारण 100 डिग्री से ज्यादा तापमान होने पर भी पानी भाप में नहीं बदलता, या फिर गर्म हुआ पानी वापस पंप और पाइप्स के जरिए स्टीम जनरेटर में जाता है, जहां ये पानी उल्टी यू आकार की ट्यूब से होकर गुजरता है। स्टीम जनरेटर में यूट्यूब के बाहर एक दूसरा पानी मौजूद होता है जो नॉर्मल प्रेशर पर होता है और यूट्यूब के अंदर फ्लो हो रहे पानी में से गर्मी ओ ऑब्जर्व करके उबलने लगता है, जिसके कारण स्टीम पैदा होती है। दोस्तों, यूट्यूब्स के अंदर का पानी ठंडा होकर वापस से रिएक्टर में चला जाता है और अगर ज्यादा स्टीम पैदा करना होता है तो उसके लिए एक से ज्यादा स्टीम जनरेटर लगाए जाते हैं, जिससे कि लगातार स्टीम बनती रहती है, फिर स्टीम टरबाइन में जाती है, जिससे कि स्टीम की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है। घूमती हुई टरबाइन एक विशाल गियर बॉक्स को घुमाती है और अंत में पावर प्रोपेलर तक पहुंचती है, जिससे कि पनडुब्बी आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज की इस वीडियो के जरिए ये जाना कि पनडुब्बी आखिर काम कैसे करती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।